बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत फाइनल की तरफ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बांग्लादेश परेशान। देखिए क्या कहते हैं फाइनल के सारे समीकरण। तो जी हां, बांग्लादेश के खिलाफ भारत की एक जीत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है और फाइनल की रेस में भारतीय क्रिकेट टीम बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब नए समीकरण सामने आ रहे हैं। भारत की इस जीत से कैसे बाकी टीमों की मुश्किलें बढ़ी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान का तो बेहाल है, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत ने पॉइंट्स टेबल के सर्कल में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की वो शानदार दोहरे शतक की पार्टनरशिप के दम पर 376 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश अपनी पहली पारी में केवल 149 रन ही बना पाते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम को मिल जाता है 225 से भी ज्यादा की बढ़त, जो कि बहुत बड़ी बढ़त होती है। और उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम मुकाबले में आगे बढ़ती है, लेकिन 250 से ज्यादा जाने पर वो डिक्लेयर कर देते हैं और कुल मिलाकर जी हाँ, बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 515 रन का टारगेट दिया गया और जिसके जवाब में बांग्लादेश पस्त हो गई और उस मुकाबले को जीत नहीं पाई। और अब इंडियन क्रिकेट टीम को जीत मिली है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव आया है। आइए आपको बताते हैं क्या बदलाव है, कौन सी टीम फाइनल में भारत से भिड़ेगी, क्या कहते हैं सभी टीमों के समीकरण इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप क्या सोचते हैं कि इस बार फाइनल में भारत से कौन भिड़ना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। और एक्चुअल में कौन भिड़ रहा है, इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा। पॉइंट्स टेबल में इस वक्त फिलहाल 9 पोजीशन पर नाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले और केवल एक ही जीत पाए हैं। 6 मुकाबले हारे हैं, 2 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं और 18.52% विनिंग परसेंटेज है, जो कि आपके WTC फाइनल सर्कल को तय करते हैं, वो वेस्ट इंडीज के बहुत ही खराब है। कोई चांसेस नहीं है वेस्ट इंडीज के फाइनल में जाने के। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आता है, जो हाल ही में बांग्लादेश से अपने घरेलू सरजमी पर हारे थे और आने वाले मुकाबले इंग्लैंड से खेलने हैं, तो जीतने के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। फिलहाल ये 7 में से केवल 2 मुकाबले जीते हैं, 5 हारे हैं, 19% विनिंग रेट है। सिर्फ वेस्ट इंडीज से इनका अच्छा है, बाकी तो बहुत खराब कर चुके हैं ये, इतना खराब कि अपने घर पर बांग्लादेश से हार रहे हैं। वेल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब WTC के फाइनल में जगह बनाने के लिए कोई समीकरण नहीं है, वो पूरी तरह से बाहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेल, 7वें पायदान पर नाम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का आता है, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, केवल 2 ही जीत पाए हैं, 3 हारे हैं, 1 मुकाबला इनका भी ड्रॉ रहा है और इनका विनिंग प्रतिशत 38.89% है। और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम भी WTC के फाइनल की रेस से लगभग बाहर हो चुका है। फिलहाल 6वें पायदान पर नाम बांग्लादेश क्रिकेट टीम का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे और 33 पॉइंट्स के साथ में, और फिलहाल 39.28 विनिंग परसेंटेज के साथ में ये 6th पोजीशन पर है। जो 4th पायदान पर थे, अब वो 6th पायदान पर आ चुके हैं भारत से मिली एक बहुत बड़ी हार के बाद। ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है और WTC के फाइनल के सर्कल में भी उन्हें ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि अब वो आगे नहीं जा पाएंगे। वेल, अगर आपको बताएं तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अब उस रेस में कोई भी उम्मीद नहीं है। फिलहाल 5वें पायदान पर नाम इंग्लैंड क्रिकेट टीम का आता है, जिन्होंने 16 मुकाबले खेले हैं, 8 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है, 42.19% विनिंग रेट है। हालांकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम बाय लक अभी भी WTC के फाइनल में जा सकती है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने पिछले लगातार 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं। 1 मुकाबला ये जरूर श्रीलंका के खिलाफ हार गए थे अंतिम मुकाबला, लेकिन वेल, इंग्लैंड क्रिकेट टीम अब पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलेगा 3 मैचों की टेस्ट सीरीज। अगर वो क्लीन स्वीप करते हैं पाकिस्तान को, तो कुछ उम्मीदें उनकी बन सकती है। उसके बाद उनके और सीरीज हैं, अगर वो भी जीते तो, और उसके लिए उम्मीद ये करेंगे कि बाकी टीमें खराब करें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आगे कौन सी टीमें खराब करेगी, तो इंग्लैंड जो है उस रेस में आएंगे। फिलहाल 4th पायदान पर नाम श्रीलंकन क्रिकेट टीम का आता है, जो मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही है। वेल, श्रीलंका 7 में से 3 मुकाबले जीत चुके हैं, 4 मुकाबले हार चुके हैं, 36 पॉइंट्स और 42.86% विनिंग रेट के साथ में 4th पायदान पर है। श्रीलंका के लिए न्यूजीलैंड के बाद साउथ अफ्रीका टूर है, वहां आसान होगा नहीं साउथ अफ्रीका से भी मुकाबले जीतना। वेल, श्रीलंकन क्रिकेट टीम उस रेस में नहीं है, बहुत रेयर चांस होंगे कि वो WTC फाइनल में दिखे, बट द फैक्ट यह है कि
उस रेस में है ही नहीं। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आती है, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले, 3 जीते 3 हारे और 50% विनिंग पॉइंट्स के साथ में ये टीम तीसरे पायदान पर है। अभी तक तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने काफी अच्छा किया है। बाय द वे, ये श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं, उसके बाद इनकी 3 मैचों की इंडिया के खिलाफ एक सीरीज है और वो डिसाइड करेगी न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं। क्योंकि देखिए, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पता है कि भारत को भारत में हराना लगभग नामुमकिन है। पिछले 12 साल से भारत कोई टेस्ट सीरीज हारी भी नहीं है और ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए वहां पॉइंट्स गिर सकते हैं और उसमें बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बाकी न्यूजीलैंड भी उस रेस में काफी आगे है। फिलहाल दूसरे पायदान पर नाम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है, जिन्होंने 12 में से 8 जीते हैं, 3 हारे हैं, 62.50% विनिंग रेट के साथ में दूसरे पायदान पर है। इन्हें इंडिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है और अगर उस टेस्ट सीरीज को ये जीतते हैं तो ही WTC फाइनल में दिखाई देंगे, अदरवाइज ये उस रेस से बाहर हो सकते हैं अगर इंडिया ने उस सीरीज को अपने नाम किया और बड़े मार्जिन से किया तो। फिलहाल इंडिया के लिए क्या समीकरण है जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है, मैं आपको बता दूं कि इंडियन क्रिकेट टीम 10 में से 7 मुकाबले जीत चुका है और 2 मुकाबले ही हारा है। 86 पॉइंट्स और 71.67% विनिंग रेट के साथ में वो पहले पायदान पर है पॉइंट्स टेबल के। और बांग्लादेश को हराने के बाद ये पहले पायदान पर पहले भी थे और अब भी है, बस विनिंग परसेंटेज और अच्छे हो गए हैं और अगर अगला मुकाबला बांग्लादेश जीत गए तो और अच्छे हो जाएंगे। वेल, इंडिया को क्या करना है इन मुकाबलों को WTC फाइनल में ले जाने के लिए? देखिए, इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, एक मुकाबला अब भी बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, उसके बाद 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जो मुकाबले इंडिया घर पर खेलेगा वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का एक मुकाबला वो, तो अगर ये चारों मुकाबले इंडिया लगातार जीत जाता है तो अगर जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार भी जाएगा तो भी इंडिया WTC के फाइनल में रहेगा, क्योंकि इंडिया 65% विनिंग रेट के ऊपर रखेगा तो 100% फाइनल खेलेगा। और उसके लिए इंडिया को क्या करना है कि बचे 9 मुकाबले हैं और उसमें से 5 मुकाबले इंडिया को हर हाल में जीतने होंगे। अगर ऐसा कर जाते हैं तो 100% क्वालिफिकेशन पक्का है। अब उसमें देखिए, 4 मुकाबले तो ये अपने घर पर खेलेंगे, न्यूजीलैंड से भी खेलेंगे और एक बांग्लादेश से खेलेंगे, इसमें से आप मेजोरिटी यही रखते हैं कि ये इंडिया जीतेगा। और एक दो मुकाबला अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल कर जीत भी गए ना तो भी आप फाइनल में जाएंगे। बकायदा वैसे तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पिछली दोनों इंडिया ने जीती है, मैं बस एक रेयर केस बता रहा हूं कि इंडिया कैसे फाइनल में जा सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया से हम हार भी जाते हैं तो भी हम फाइनल में जा सकते हैं, उसके लिए केवल एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना होगा, लेकिन उससे पहले 4 मुकाबले जीतने होंगे। और अगर इंडिया एक आध मुकाबला न्यूजीलैंड से हार गया, ड्रॉ हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर 2 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे, फिर आपको WTC फाइनल में ले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि 65 से नीचे इंडिया फाइनल में जगह नहीं बना सकता, पिछली बार 58% के साथ में हमने फाइनल में जगह बनाई थी। फिर आपको दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होगा, अगर खुद के दम पर बनाना चाहते हैं तो फिर आप जो है 65 से ऊपर रखिए, वो आपको और ज़्यादा फाइनल में स्ट्रांग बनाएगा। वेल, इंडिया के लिए बस सिचुएशन यही है कि 9 में से अगर 5 मुकाबले भी जीत गए तो फाइनल 100% पक्का है, 4 भी जीत गए तो भी आप रेस में बहुत आगे रहेंगे। 58 पॉइंट पिछली बार हमने बनाया तो इस बार भी हम बना सकते हैं। वेल, ये है WTC फाइनल के समीकरण।